नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में खट्टे प्याज, जो कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट में खाने के साथ सर्व किए जाते हैं। हमने बहुत तरह के रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के प्याज खाए हैं, पर एक रेस्टोरेंट में हमने जो प्याज खाए थे हमें बहुत ही अच्छा लगा, उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो आइए प्याज बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे प्याज लिए हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरह के हमने छोटे प्याज लिए हैं, वो लगभग 20 से 25 है। और इसको हमने साफ छिलका निकाल लिया ऊपर से और साफ धो लिया है, धोने के बाद मैंने सुखा भी लिया है। अभी इनको हम बताते हैं आपको किस तरह से आप काटें। इसका छोटा सा ऐसे चीरा है, इसके बीच में लगा दें। एक और प्याज बताती हूँ मैं आपको, आप इस तरह से प्याज को पकड़ के, छोटा सा चीरा है, इस तरह से लगा दें। इस तरह से काटने से जो विनेगर का सॉल्यूशन बनेगा वो अच्छे से अंदर तक जाएगा और ये प्याज बहुत अच्छे खट्टे बन के तैयार होंगे। इस तरह सभी प्याज को हम काट के तैयार कर लेंगे। अब सभी प्याज को हमने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अभी हमने आधा बीटरूट लिया है, आधा बीटरूट को हमने साफ धो करके छिल लिया है। अभी इसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर लेते हैं, पर कद्दूकस के जगह पर आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो खाने का ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े कर ले इस तरह से आप। इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसके खाने में भी हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। ये अभी हमारा बीटरूट कट के तैयार हो गया है और हमने लगभग 1 इंच जितना हमने अदरक का पीस लिया है, जिसको साफ धो करके छील लिया है इसको हमने। इसके भी हम पतले पतले काट के टुकड़े कर लेंगे। इसका टेस्ट भी प्याज के अंदर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हम पतला पतला काट के तैयार करेंगे। आप चाहे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या लच्छे की स्टाइल में कर सकते हैं आप। ये हम इसको चिप्स के जैसे पतले पतले टुकड़े कर रहे हैं। जिस सभी का टेस्ट प्याज के अंदर बहुत अच्छा आएगा। अदरक को काट के तैयार कर लिया है। अभी हमने 10 हरी मिर्ची ली है। ये तीखी वाली हरी मिर्ची है और ये भी सिरके के अंदर डाक जा करके खट्टी हो जाती है और इसका टेस्ट भी फिर प्याज के अंदर आता है हल्का, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम 2 पीस में काट लेंगे। इस हरी मिर्ची को इस तरह से हम खड़ा काट लेंगे, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से 2 टुकड़े कर लेंगे हरी मिर्च का, जिससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा उसका। ये जब खाने के साथ में खाते हैं, मिर्ची अदरक सभी खट्टे हो जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ में। आप एक बार बना कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सिरके वाले प्याज के साथ में ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती है खाने में। ये मिर्ची को भी हमने काट लिया है। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो या खट्टी मिर्ची खाने का अच्छा लगता हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम आपको पसंद हो तो कम भी डाल सकते हैं। अभी हम सिरके वाले प्याज बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 1 कप पानी लेंगे और इस पानी को हम एक बार बॉईल कर लेंगे और गैस को चालू कर देते हैं। अब इसी पानी में हम 5 लौंग लिए हैं हमने, लौंग को भी इसमें डाल देते हैं और 10 काली मिर्ची ली है, 10 काली मिर्ची को भी हम इसी में डाल देते हैं। काली मिर्ची और लौंग का जो हल्का सा तीखापन है वो इसके अंदर आ जाएगा, फिर जो प्याज होंगे वो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसमें अभी हम 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। ये 2 चम्मच हमने शक्कर ली है, इसमें डाल दी हमने। नमक भी हम 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे, क्योंकि खट्टा करने के लिए नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए 1.5 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये इसका उबाल आ गया अभी हमारे। अभी इसमें हम बीटरूट डाल देते हैं। बीटरूट को डालते ही इसका कलर आ गया है, देख पा रहे हैं। हमने गैस को बंद कर दिया है। अभी सब चीज़ें जो हमने डाली है, शक्कर वगैरह, सभी इसमें पिघल गए हैं। सबका पिघल जाना ज़रूरी है इसमें, तो ये सब पिघल गए हैं। और पानी को आप ध्यान रखें हमेशा बॉईल करके डालें। इस तरह सिरके वाला प्याज बनाते हैं, पानी कभी भी बॉईल करके डालें आप। या आपके पास बिस्लरी वाटर हो तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो पानी बॉईल करें और फिर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्याज बन के तैयार होगा। अभी इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ये जो पानी हमने बनाया वो ठंडा हो गया है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें कलर भी कितना अच्छा आया है, बीटरूट का बहुत अच्छा कलर आया है। अभी जो ऑनियन हमने काट के रखे हैं छोटे वाले,
उसको इस बोतल के अंदर डाल देते हैं। आप ध्यान रखें बोतल को एकदम साफ सुथरी बोतल लें, कभी भी सूखी बोतल होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। सभी प्याज को हमने इसमें डाल दिया है और जो अदरक हमने काट के रखे थे इसको भी इसमें डाल देते हैं, और जो हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देते हैं। जो बीटरूट का पानी बनाया हमने वो भी इसमें डाल देते हैं। अभी लास्ट में अभी हम इसमें एक कप सिरका डाल देंगे, एक कप सिरका है वो इसमें डाल देते हैं। अभी इन प्याज को हम 24 घंटे के लिए ढक्कन लगा करके रख देंगे, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि प्याज किस तरह से तैयार होते हैं। अभी हमारे सिरके वाले प्याज को रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं, अभी इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। कि हमारे प्याज बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए, इसके अंदर तक सब रस चला गया है और अंदर तक खट्टे हो गए हैं प्याज। मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि प्याज के अंदर कलर बहुत ही अच्छा आया है, जबकि हमने इसमें आधा बीटरूट डाला था, और इसी के साथ ये अंदर तक खट्टे हो गए हैं सभी प्याज। और जो मिर्ची आप देख पा रहे हैं, मिर्ची भी अंदर तक अच्छे से खट्टी हो गई है। इसमें मिर्ची की चरखाहट और अदरक का फ्लेवर प्याज के अंदर बहुत ही अच्छा आया है। तो आप सुबह के खाने के साथ या शाम के खाने के साथ जैसे अचार लेके बैठते हैं, या कुछ लोगों को भुजिया खाने का शौक होता है, तो उस जगह पर आप इन प्याज को आप खाने के साथ खाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं बता देती हूँ, खाते खाते जब प्याज बोतल में से सब खत्म हो जाए तो उसके पानी को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप और प्याज काट करके और मिर्ची काट करके इसके अंदर डाल सकते हैं और वो प्याज वैसे ही तैयार हो जाएंगे। जैसे ये प्याज तैयार हुए हैं वैसे ही तैयार वापस हो जाएंगे। तो इस तरह के प्याज एक बार तैयार हो जाने के बाद 8 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।